एन पुरी नगलाक की रकम हस्तांतरित किया। आजाद नगर कांतिराम कॉलोनी में अवैध कब्जा धारकों के आवास एन पुरी जिलाधिकारी के निर्देश पर जिलाधिकारी सदर ऋषिराज ने खाली कराकर पुलिस द्वारा नए आवंटनकर्ताओं का आवास पर कब्जा दिलाया। पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से रह रहे लोगों को सामान समेत आवास को खाली कराया गया। आवासों को प्रशासन के सहयोग से खाली करा दिए गए। उप जिलाधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए छज्जों मकान आदि को हटाया गया, जो साफ जाहिर करते हैं उप जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान उल्लंघन करते हुए आवासों के ऊपर कुछ आवासों के ऊपर बने छज्जों को छुड़वा दिया गया। आवासों को उप जिलाधिकारी ने सरकार की मंशानुसार अवैध कब्जा धारकों को कब्जा खाली कराकर नए आवंटनकर्ताओं को कब्जा दिलाया। इसके संबंध में सुबह से ही पुलिस प्रशासन के सहयोग से आवासों को खाली करा दिए गए। उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा वहां के निवासी तथा उप जिलाधिकारी। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर, आज यहाँ काशीराम कॉलोनी में प्रशासन ने अभियान चलाया है। कई ऐसे लोग जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, उनको खाली कराने का काम किया है। कई तो क्या किस तरीके का ये पूरा अभियान था? काशीराम कॉलोनी में तीन फेस में नगला किरक प्रथम, नगला किरक द्वितीय और आज़ाद नगर में करीबन 100 के करीब अवैध रूप से कहीं तालाब मार के माफिया लोग जो है सो इस घर पे कब्जा बना के बैठे थे, जो हमारे पात्र निराश्रित लोगों के लिए सरकार ने बनाया था। आज पीओ डूडा और हमारी सारी जो जिला प्रशासन पुलिस की टीम, सब लोगों ने मिलकर के जो हमने इनको आवंटित कर दिया था, जिन पात्र लोगों को, उन सबको हमने पुनः इसमें कब्जा दिलाया है। इन सभी लोगों को, अवैध कब्जेदारों को पर्याप्त नोटिस का तामील हो चुका था। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।